आज हम आप सभी को एक बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं प्रेरक कहानी बताने जा रहे हैं जो कि शूर्पणखा से संबंधित है। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि राम रावण युद्ध के बाद जब रावण की मृत्यु हो गई और लंका का राजा विभीषण हो गया, किष्किंधा का राजा सुग्रीव हो गया और अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राजा रामासीन हुए, तो प्रश्न ये उठता है कि रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा का क्या हुआ और वह कहाँ गई। तो आइए हम देर न करते हुए इस प्रसंग पर चर्चा करते हैं। मित्रों, शूर्पणखा इस युद्ध से प्रसन्न रावण की मृत्यु से बदला लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने लंका छोड़ दिया और किष्किंधा पर आ गई और दैत्य गुरु शुक्राचार्य को खोजते खोजते उन्हें पाई, तब उनसे निवेदन करने लगी कि गुरुदेव, आप दैत्यों के राक्षसों के गुरु हैं और हमारे साथ अन्याय हुआ है, हमारी मदद कीजिए, रक्षा कीजिए। और उसने अपना मंतव्य बताया कि ऐसी कोई विद्या और मंत्र हमें सिखाइए कि जिससे लंका का राजा विभीषण और किष्किंधा का राजा सुग्रीव और अयोध्या के राजा राम जी का मैं बदला ले सकूं और उन्हें परास्त कर सकूं, उन्हें मार सकूं। तब शुक्राचार्य ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं, शुक्राचार्य सदैव दुष्टों का, दैत्यों का ही साथ देते आए हैं, जैसा हमारे पुराणों में वर्णित है। और तब उन्होंने कहा कि शूर्पणखा, तुम हमारी बहुत प्रिय हो क्योंकि हमारे प्रिय शिष्य रावण की छोटी बहन हो। यहाँ पर विभीषण सुग्रीव ही नहीं, भारत के समस्त राजा राजा रामचंद्र के अधीन हैं। यहाँ कोई उनके विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, इसलिए हम तुम्हें ऐसी जगह लेकर चलेंगे जहाँ पर कि इन सब के विरोधी होंगे। और तब शुक्राचार्य शूर्पणखा को लेकर के ऐसी जगह गए, हमारे देश से पूर्व की तरफ, जिसे सऊदी अरब कहा जाता है, अर्थात अरब देश में गए, जिसे आज मक्का मदीना जहाँ स्थित है। और वहाँ जा करके वहाँ के देख शुक्राचार्य अपना जो है एक शिवलिंग स्थापित किया और यज्ञ कुंड बना करके मंत्रों से आहुति देने लगे। और शूर्पणखा बिना श्रद्धा के वहाँ उनके साथ बैठ करके मंत्र का जाप करने लगी। मित्रों, वहाँ के लोग आदिम मानव थे, उनमें सभ्यता का कोई नामो निशान नहीं था, वो सदा नंगा घूमा करते थे और कबीले में रहा करते थे, हजारों कबीले थे। उनका रिवाज ये था कि वो भोजन में कच्चा मांस खाते थे, फल मिल जाता था तो खा लेते थे, यही उनका भोजन था। और कोई भी सुंदर स्त्री मिल जाए तो उसका भोग करते थे। और कबीले का जो मुखिया होता था, वो जिस स्त्री को भोग कर लेता था और छोड़ देता था, तो उसके कबीले के दूसरे लोग भोग करते थे, अर्थात उसके साथ सहवास करते थे। ऐसे हजारों कबीले थे। इधर शुक्राचार्य भगवान शिव के प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे थे, शूर्पणखा बैठी हुई थी, तभी सबसे बड़े मजबूत कबीले के कुछ लोग वहाँ पर पहुँच गए। और क्योंकि शूर्पणखा की नाक कटी हुई थी, उसने उसको बचाने के लिए अपने नाक के ऊपर चेहरे को ढकने के लिए हिजाब, जिसको कहते हैं, एक
काला कपड़ा बांध लिया था। सुरपणखा थी तो बहुत सुंदर और मायावी भी थी। उसकी सुंदरता को देख करके कबीले के लोगों ने सोचा कि अगर इसका अपहरण करके कबीले के मुखिया को सौंप दिया जाए तो हमें भी यह भोग के रूप में प्राप्त हो सकती है। और उन्होंने योजना बनाकर सुरपणखा का अपहरण कर लिया और ले जा करके कबीले के सरदार को सौंप दिया। कबीले का सरदार सुरपणखा को देखा तो दिखने में इतनी सुंदर थी, वह उस पर मोहित हो गया और उसका भोग करने के लिए तैयार हुआ। और चूँकि वह आदिम था इसलिए उसका नाम था आदम। उस कबीले के सरदार का नाम था आदम। और सुरपणखा चूँकि अपना मुंह ढके हुए थी, नाक ढके हुए थी, इसलिए उसका नाम उसने रखा हवा और प्रचारित करवा दिया कि जो को भी कोई भी मेरे सिवा इसके चेहरे को देखेगा उसका नाश हो जाएगा। और इसमें शुक्राचार्य का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो मित्रों, वह आदम और हवा, उनसे जो संतान पैदा हुई वह अनेक संप्रदाय के रूप में विकसित हुई, जैसे ईसाई, यहूदी और मुस्लिम। ये ही सुरपणखा की संतानें हैं। और जैसे कि शर्त के अनुसार आदम और हव्वा का विवाह कराया था शुक्राचार्य ने, शुक्राचार्य ने शर्त रखी थी कि मैं इसका विवाह तुम्हारे साथ कराऊंगा तो, लेकिन अगर तुम राम को परास्त नहीं कर सके, सुग्रीव को परास्त नहीं कर सके, विभीषण को प्राप्त नहीं कर सके तो उन सब की सारी संपत्ति तुम्हें मेहर के रूप में सुरपणखा को अर्थात हवा को सौंपना होगा। मित्रों, आज भी देखिए तो मुसलमानों में जो विवाह होता है वह एक लिखित करार के रूप में होता है। और वो करार ये होता है कि पत्नी को दी जाने वाली जो रकम होती है उसे मेहर कहते हैं। लिखा जाता है कि यदि स्त्री को छोड़ेगा पति तो उसे मेहर की रकम लौटानी होगी। और इससे ये सिद्ध होता है कि ये संतान आज भी सुरपणखा की ही संतान हैं और उन्हीं के बनाए सिद्धांत को अपनाए आज भी चल रहे हैं। तो आज के दैत्य और अन्य कोई नहीं, यही ईसाई, यहूदी और मुसलमान हैं। आज भी हिंदू मक्का मदीना पर जो शिवलिंग है वहाँ जाने नहीं पाते। क्यों नहीं जाने पाते? मुसलमानों को भय है यदि कोई हिंदू जा करके शुक्राचार्य द्वारा स्थापित उस शिवलिंग पर जल छिड़क देगा तो वह सारा भेद खुल जाएगा और उनका संप्रदाय ही विनष्ट हो जाएगा और शिव के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इसलिए किसी भी हिंदू को मक्का मदीना जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो मित्रों, सुरपणखा सऊदी अरब जाकर के, अरब देशों में जाकर के आदम के साथ रही और संतान उत्पन्न किया, जो कि आज भी दैवीय शक्ति से संपन्न आर्यों का, हिंदुओं का विरोध करने में लगी हुई हैं। ये पुरातन बात है। ये कहानी सत्य है। और आपको कैसी लगी? क्या ये घटना सत्य है कि हिंदुओं को मक्का मदीना नहीं दिया जाने दिया जाता? यदि आप इससे सहमत हैं
तो वीडियो को सब्सक्राइब लाइक करके कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।